रोकू 9 सीरीज जो 23 फरवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाली है वो कंफर्म्ड हो चुका है। और आज मैं आईकू 9 प्रो का फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूँ। सेकंड जनरेशन LTPO 2K AMOLED डिस्प्ले, 2022 स्नैपड्रैगन फ्लेक्सी प्रोसेसर, वाइड एरिया अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, 150 डिग्री फिसाई कैमरा, सुपर फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों मैंने आईकू 9 प्रो का ऑलरेडी अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, जरूर से देखें। सबसे पहले आईकू 9 प्रो के डिजाइन और बिल्ड की बात करते हैं। आईकू 9 प्रो दो कलर्स में मिलेगा, लेजेंडरी एडिशन एंड बर्निंग ऑरेंज कलर में। और ये बर्निंग ऑरेंज कलर है, फोन का बैक कार्बन फाइबर टेक्सचर्ड के साथ आता है और ये लेदर बैक है, यानी इन हैंड फील काफी अच्छी मिलेगी और ग्रिप भी काफी अच्छी मिल जाएगी। और लेजेंडरी एडिशन का ऑलरेडी मैंने अनबॉक्सिंग बता दिया है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। फोन के बॉटम में आईकू का ब्रांडिंग मिल जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो जो आईकू ब्रांड है वो वीवो की सब ब्रांड है। फोन के टॉप में बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है जो आपको Vivo X70 Pro Plus की याद दिलाएगा। जो आईकू 8 सीरीज थी उसमें जो कैमरा मॉड्यूल था वो छोटा सा रेक्टेंगुलर मिलता था, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, कैमरा मॉड्यूल बड़ा कर दिया गया है। यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर जो लेंस देखे तो उसमें जो दो लेंस है वहाँ पे आपको क्रोम रिंग देखने को मिल जाएगी जो कैमरा लेंस को प्रोटेक्ट करेगी। फोन का वेट करीब 203 ग्राम्स का है और थिकनेस करीब 9.2 mm की है। फोन की फ्रेम मेटल की बनी है और फ्रेम ब्लैक कलर में दी गई है, यानी कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। प्लेसमेंट देखे तो टॉप में IR ब्लास्टर और सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन मिक दिया गया है। बॉटम में बॉटम फायरिंग स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और सिम ट्रे मिल जाती है और फोन में स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। फोन के राइट में वॉल्यूम रोकर और पावर बटन दिया गया है और पावर बटन ऑरेंज कलर में दिया गया है। ओवरऑल फोन की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है और आईकू 9 सीरीज में आईकू 9 प्रो सबसे हाईएस्ट स्पेक के साथ आने वाला फोन है। और दोस्तों आईकू 9 सीरीज में तीन फोन्स आने वाले हैं, आईकू 9, आईकू 9 प्रो एंड आईकू 9 एसी। और जो आईकू 9 है वो आईकू 8 जैसा ही सिमिलर डिज़ाइन और स्पेक के साथ आने वाला है। वैसे आईकू 8 सीरीज तो इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुई थी, लेकिन आईकू 9 सीरीज लॉन्च होने वाली है वो कन्फर्म है। अब बात करते हैं आईकू 9 प्रो के डिस्प्ले की, लेकिन उससे पहले दोस्तों लेटेस्ट फोन के अनबॉक्सिंग सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। अब बात करते हैं आईकू 9 प्रो के डिस्प्ले की। फोन में 6.78 इंच की सेकंड जनरेशन LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है जो 2K रिजोल्यूशन के साथ आती है। और सेकंड जनरेशन LTPO यानी रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्स टू 120 हर्ट्स का वेरिएबल मिलेगा, डिपेंड्स ऑन सिनेरियो, यानी बैटरी कंजम्पशन कम से कम होगा। और डिस्प्ले में सैमसंग E5 ल्यूमिनियस मटेरियल का यूज हुआ है, यानी ब्राइटनेस लेवल भी 1500 निट्स तक मिल जाती है, जो अच्छी बात है। आप यहाँ पे डिस्प्ले कंटेंट के हिसाब से ऊपर रिफ्रेश रेट देख सकते हैं। डिस्प्ले में और बड़ा फीचर है अल्ट्रासोनिक वाइड एरिया फिंगरप्रिंट सेंसर, जो ट्रेडिशनल फिंगरप्रिंट सेंसर के कंपेयर में काफी क्विक काम करता है। और दोस्तों आपको पता है वो कौन सी ब्रांड थी जो सबसे पहले अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर टेक्नोलॉजी के साथ आई थी? वो ब्रांड थी वीवो। अगर आपकी उंगली गीली है तो भी ये अनलॉक कर देगा। अब बात करते हैं आईकू 9 प्रो के परफॉर्मेंस की। दोस्तों ये इंडिया में दूसरा फोन होने वाला है जो स्नैपड्रैगन 8-in-1 प्रोसेसर पे चलता है। पहला फोन कौन सा है वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ये प्रोसेसर 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है और स्नैपड्रैगन के इंडिपेंडेंट कंपनी होने के बाद सबसे पहला फ्लेक्सी प्रोसेसर है जो सैमसंग के 4 नैनोमीटर प्लेटफॉर्म पे बना है। सुपर कोर की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज की मिल जाती है। फोन में परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिल जाता है। हाई एंड गेमिंग में एवरेज फ्रेम रेट करीब 54.9 FPS तक मिल जाती है। आप यहाँ पे Xiaomi 12 Pro के साथ फ्रेम रेट का कंपैरिजन भी देख सकते हैं। और Xiaomi 12 Pro भी स्नैपड्रैगन 8-in-1 पे चलने वाला फोन है जो फिलहाल इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन मैंने 12 Pro का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पे हाई एंड गेमिंग में टेम्परेचर देखे तो हाईएस्ट टेम्परेचर 40 डिग्री तक जाता है, जो हाई एंड गेमिंग में नॉर्मल बात है। आप यहाँ पे N22 स्कोर भी देख सकते हैं, करीब 10 लैक्स के ऊपर मिल जाता है। तो फोन में ओवरऑल परफॉर्मेंस तो अच्छा ही मिलेगा। फोन में सैमसंग की एनहेंस वर्जन LPDDR5 रैम मिल जाती है और साथ में UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाता है। अब बात करते हैं फोन में कैमरे की। फोन में रियर फेसिंग ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का सैमसंग GN5 सेंसर मिल जाता है। और ये वर्ल्ड का पहला फोन है जहां पे ये सैमसंग का सेंसर लगा है। सेंसर की साइज 1x1.57 इंच की है,
यानी लो लाइट में अच्छी फोटोज मिलेगी। सेकेंडरी 50 मेगापिक्सल का सैमसंग जेन 1 सेंसर मिल जाता है जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है जो 150 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू को कवर करता है और ये लेंस से काफ़ी यूनिक फोटोज मिलेगी। और थर्ड 16 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है जो 2.5x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, आप यहां पे फोटोज के सैंपल्स देख सकते हैं और फोन में 8K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में फोन में गिम्बल स्टेबिलाईजेशन भी मिल जाता है, यानी वीडियोज बहुत ही स्टेबल मिलेगा और फिश आई मोड भी मिल जाता है। ओवरऑल कैमरा यहाँ पे अबोव एवरेज मिलेगा और कैमरा का डिटेल रिव्यू मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ, सो स्टे कनेक्टेड। iQOO 9 Pro में बैटरी की बात करें तो 4700 mAh की बैटरी मिल जाती है जो एवरेज यूज पे एक से डेढ़ दिन आसानी से चलेगी। और दोस्तों यहाँ पे 30 मिनट हाई एंड गेमिंग के बाद बैटरी 12% तक यूज होती है। बैटरी को चार्ज करने के लिए 120 वाट का वायर्ड और 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। वायर्ड चार्जर से बैटरी को 19 मिनट्स में ही 0 to 100% चार्ज कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। और इस बार बॉक्स में 120 वाट का गैलियम नाइट्रेट चार्जर मिल जाता है जो टाइप सी की आउटपुट के साथ आता है, जो रेगुलर 120 वाट चार्जर से कहीं छोटा दिखता है। और ये पीडी चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी आप इस पावर एडाप्टर से कहीं सपोर्टिव लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। iQOO 9 Pro की इंडिया में प्राइस की बात करें तो लीक के हिसाब से 75,000 तक प्राइस आ सकती है, जो बहुत ही ज्यादा है। मेरे हिसाब से 55,000 तक आनी चाहिए। एक टाइम था जब iQOO के फोन्स इंडिया में मिड सेगमेंट की प्राइस रेंज में आते थे और वो भी फ्लेक्सिबल स्पेक्स के साथ, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं वो भी प्रीमियम प्राइस के साथ। वैसे फोन में डिस्प्ले सुपर मिल जाती है, परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा, चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी सुपर मिल जाती है, कैमरा एबो एवरेज मिलेगा और प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं iQOO 9 Pro के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।